इस बार राखी पे मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक राखियां बांधूंगी, पूरी 21 राखियां। आपको पता है भैया, हर साल राखी पे मैं राखी खरीदती थी और उसे संभाल के रख देती थी। इस साल ऐसा नहीं करूंगी मैं। हाँ हाँ ईरब, क्यों नहीं भाई, अपने भाई से पूरी वसूली कर लो। क्यों नहीं करूंगी, हक बनता है मेरा। क्यों भैया, आओ अंदर आओ। बताती है कि वक्त के साथ साथ क्या क्या बदल गया। ये तुम सोनाक्षी हो है ना? कितनी छोटी सी थी जब मैं इस घर को छोड़ के गया था। दिन भर बस गुड्डे गुड़ियों के साथ ही खेला करती थी, उनकी शादी रचाती थी। आज इतनी बड़ी हो गई हो कि खुद की शादी की तैयारी कर रही हो। कुमार भैया, वक्त ने तुम्हारे इस भाई को हम सबसे छीन लिया बेटा। चुके हो तुम अपने इस भाई को। कुमार भैया को ही नहीं खोया है, किसी और ने भी सारे रंग खोकर सफेद रंग ओढ़ लिया है। शांतनु, वक्त के साथ बीतता हुआ हर पल कुछ ना कुछ बदलाव के निशान जरूर छोड़ जाता है, लेकिन इस घर में कुछ ऐसा भी है जिसमें पिछले 20 साल में कोई बदलाव नहीं आया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारा कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम इसे छोड़कर गए थे। वक्त ने तुम्हें और मुझे बदल दिया है, पर यहां सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। चलिए अब नाश्ता कीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, चाचू या अंकल? अरे तू ऐसा क्यों पूछ रही है, वो तेरे चाचा लगते हैं ना, तो चाचू ही कहकर बुलाएगी और क्या। बड़े पापा आप नहीं समझेंगे, ये लंदन वाले हैं ना। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं बनारस का हूँ इसलिए तो मुझे चाचू ही बुलाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, आज तुम्हारी वजह से 20 साल के बाद इस कमरे में हंसी गूंज रही है। शांतनु जी, चलो आओ मेरे साथ। बेटा, इतने सालों तक तुम इस घर से दूर रहे, इस घर की प्रथा, इस घर की परंपरा तुम भूल गए? भूल गए शांतनु? इस घर में कदम रखते ही सबसे पहले देवता के दर्शन किए जाते हैं। अम्मा जी, कुछ भूला ही तो नहीं? असतो मां संगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
अरे ये क्या माँ, शांतनु चाचू इतने सालों बाद घर आए हैं, घर में सब दिल खोल के उनका स्वागत कर रहे हैं और तुम दरवाजा बंद कर रही हो। तुम उनसे मिलने भी नहीं आई। माँ चाचू क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कि उनके आने की खुशी नहीं है तुम्हें। चलो ना, तुम शांतनु चाचू से मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चाचू बहुत अच्छे हैं, चलो ना। मुझे किसी से नहीं मिलना। पर माँ चाचू तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे चाचू में, और वैसे भी मैं उनसे मिलके क्या बात करूंगी। मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब लोग तो वहाँ बैठे, जाओ ना तुम भी। पर माँ मैं तो वो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अरे सिर में दर्द हो रहा है तो बताया क्यों नहीं, चलो मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने अभी गोली खाई है, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जा तुम में जाके, जाओ ना तुम जाओ। रोक लो इस तूफान को, मेरे अतीत की यादों को इन बंद दरवाजे के उस पार ही रखना। अपने आज में जीने दो मुझे, इतनी हिम्मत दो मुझे कि यादों के दोराहे पर खड़ी मैं अतीत की तरफ मुड़ कर ना देखूं। कुछ नहीं भूले तुम, इस घर के संस्कारों का मान रखा है तुमने। अम्मा जी, संस्कार तो इंसान के खून में होते हैं, दिल में बसते हैं, वजूद का हिस्सा होते हैं, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। बेटा आज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी 20 साल की तपस्या सफल हो गई। जानते हो शांतनु, तुम्हारे इस घर से चले जाने के बाद मैंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। मैंने सोचा जब मेरा बेटा लौट कर इस घर में आएगा तब मैं इन हाथों से उसे खिलाऊंगी। आज तुम्हारी माँ तुमसे एक वचन मांगती है, फिर कभी तुम्हारे ये कदम इस घर की दहलीज को लांघ कर नहीं जाएगी। तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे बेटा। अम्मा जी मैं ये घर छोड़ के जरूर गया था, मगर इस घर के लोग हमेशा मेरे साथ थे, मेरे दिल में थे। बस ये दिल अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकता। अन्याय करना और सहना दोनों पाप समझता हूं मैं। और वो अन्याय ही था अम्मा जी जिसने मुझे इस घर की दहलीज को लांघने पर मजबूर कर दिया था। क्या बात करना चाहते हो शांतनु? कल रात आप कहां गए थे और आज फिर से तैयार होकर कहां जा रहे हैं रात को? किसी जरूरी काम के लिए गया था। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात को ही होता है? हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि काम का बहाना बनाकर आप अपनी अय्याशियों के लिए। शांतनु तुम रिश्तों की सीमा को पार कर रहे हो। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारद्वाज खानदान की हवेली में ये इतनी ऊंची आवाजों की गूंज कैसे? बड़े भैया ये बात आप इससे पूछिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके मुंह से ये बात सुनूंगा। भैया मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कुमार भैया ने शादी ही क्यों की अगर उन्हें अपनी प्रेम लीला किसी और के साथ रचानी थी तो? पूछे इनसे,
वो नाचने वाली इनकी क्या लगती है? पूछे इनसे कि अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, पूछे इनसे। पूछिए से भैया, किस बिना पर ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये जो कह रहे ना, सब झूठ। भैया अपने दिल से पूछिए कि झूठ कौन बोल रहा है, मैं या आप? इसका क्या जवाब दूं भाई? कुमार भैया अपने सच्चे रिश्ते को झूठ में मत उलझाइए। चुप हो जाओ शांतनु, बहुत देर से तुम्हारी बेतुकी बातें सुन रहा हूं मैं। भैया ये बेतुकी बातें नहीं है, पूछे इनसे कि ये अपनी पत्नी को छोड़ के उस नाचने वाली के पास क्यों जाते हैं? अम्मा जी, अम्मा जी आइए, अब आप ही फैसला कीजिए, आइए अम्मा जी। देखिए शांतनु क्या कह रहा है, ये घर का लाडला है, घर का छोटा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएगा। कुमार, मैंने अभी शांतनु के मुंह से जो कुछ भी सुना क्या वो सच है? अम्मा जी जो मैंने कहा बिल्कुल कुमार जवाब दो, क्या ये सच है? अम्मा जी आप भी ठीक है अम्मा जी, अगर इस घर में मुझसे सवाल किए जाएंगे, मुझ पर इल्जाम लगाए जाएंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता अम्मा जी। अरे परेशान नहीं देख सकते तो परेशानी का कारण ही मिटा दीजिए ना भैया। शांत रहो। अपने बड़े भाई से बात करने का ढंग सीखो। अम्मा जी ये मेरे बड़े भाई हैं, इनकी इज्जत करता हूं मैं, पर अगर ये झूठ बोलेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, इस घर की मर्यादा को ताक में रख के नाजायज रिश्ता। जबान को लगाम दो, आइंदा मुझे ये बेबुनियाद इल्जामों का शोर सुनाई ना दे। नहीं सुनाई देगा। अम्मा जी भैया अब भैया खाना रेडी है, खाना खा ले। इस पल के बाद इस घर में पानी पीना भी मेरे लिए गुनाह है। मुझसे किसी आशीर्वाद की उम्मीद भी मत करना। आंसुओं को मत रोको, इन्हें बह जाने दो। तुम्हारे इस घर से चले जाने के एक महीने बाद मुझे असलियत पता चली। कुमार के बहके हुए कदमों को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक तुम्हारे ये कदम तुम्हें हमसे बहुत दूर ले जा चुके थे।
बहुत दूर। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारा पता नहीं लगा सके बेटा। मालविका कैसी है? मालविका बेचारी लड़की, उसकी किस्मत में तो ससुराल का सुख भी नहीं लिखा है। तू उसे अपने साथ लाया है ना? अम्मा जी, मालविका अभी तो ही हमें नहीं रही। क्या? उसी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने आया था। तुम दोनों की संतान, एक बेटी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? गौरी नाम है उसका। वो लंदन में ही जन्मी और पली है अम्मा जी। इंडिया उसे पसंद नहीं आएगा, वो यहां नहीं आएगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया तुमने? सब कुछ अम्मा जी। मीरा, इस तरह छुप छुप कर किसी की बातें सुनना बुरी बात होती है। पर अम्मा जी, अगर बात खुद ब खुद कानों में पड़ जाए तो कोई क्या करे? तो मालविका चाची के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, और आपने अपनी बेटी के बारे में तो बताया था, पर ये नहीं बताया कि उसे हमारा देश इतना नापसंद है। अरे वो मेरा, वो बड़ी मुश्किल सी लड़की है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो ठीक है, ये मुश्किल काम मैं करूंगी। अम्मा जी को उनके बेटे से मिलवाया है तो उनकी पोती से भी मैं ही मिलवाऊंगी। मीरा ने जो सोच लिया तो सोच लिया, जो कह दिया सो कह दिया। अब क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, आप दोनों फ्रेश होके आ जाएंगे। शांतनु, तुमने हमें वचन नहीं दिया कि तुम फिर से इस घर को और हमें छोड़कर नहीं जाओगे। अम्मा जी, ये फैसला अभी इस वक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी ये मां फिर से अपने बेटे से जुदा होने का कब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बीस साल के बाद फिर से इस हवेली में कदम रखा है। मेरे मुड़े मुड़े कदम एक माँ की ममता को तृप्त कर देंगे, पर क्या मेरा यहाँ रहना मेरे और अलग के लिए ठीक होगा? अतीत के ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने से कहीं बीती यादों के भंवर पैदा हो गए तो